हेलो फ्रेंड्स आज मैं आलू का पराठा बनाऊंगी ऐसा पराठा जो एकदम लिक्विड ही रहेगा और ना आपको बेलना पड़ेगा मतलब कोई ताम झाम कोई झंझट नहीं एकदम से जल्दी से फटाफट से बन जाएगा ये और आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे सबसे पहले आटा लेंगे आप आटा या मैदा कुछ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं दो चम्मच यहाँ पे सूजी लेंगे सूजी आप अपने हिसाब से लीजिएगा थोड़ा सा नमक हिसाब से आप लीजिएगा उसके बाद फिर यहाँ पे ना एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच कलौंजी है उसको भी यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी जीरा डाली डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा करके पानी डाल के इसको बैटर तैयार कर लेना है ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कोई भी लम्स ना रहे बहुत फटाफट से ये रेसिपी बनकर तैयार भी हो जाएगी और बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में अब बच्चों को तो बहुत पसंद आती है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा मिर्च जो ना स्किप कर सकते हैं लेकिन ये आप बच्चे हो या बड़े हो सबको पसंद आते हैं और बहुत फटाफट से बन भी जाती है यहाँ पर आप इसी तरह से इसको बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा यहाँ पर ना चार आलू है आप ना एक या दो आलू का भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आलू है आप बड़ा आलू है तो एक भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से आलू लीजिएगा आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है ताकि कोई लम्स ना पड़े जब हम इसको पराठे को बनाए ना तो कोई लम्स ना पड़े यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको ग्रेट हम कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ एक हरी मिर्च इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज है और एक मुठ्ठी के करीब धनिया है उसको भी हम मतलब बारीक काट के डाले हैं एक चम्मच ना भुना कुटा जीरा यहाँ पे भी डालेंगे एक चम्मच यहाँ पे नमक डाल दिए हैं और देखिए इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है हाथ से ही इसको मिक्स कर लीजिएगा उसके बाद फिर इसको हम मतलब यहाँ पे बैटर में अच्छे से मिला देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी यहाँ पे देखिए इस तरह से हम कुर्स में डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है इसको मिक्स करते हुए ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी भी हम डाले हैं थोड़ा सा कलर के लिए और देखिए आपको लग रहा होगा ना कि ये मिक्स नहीं होगा लेकिन नहीं ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी लम्स भी नहीं रहता है देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है और यहाँ पे प्याज वगैरह है सारा चीज़ है ना तो मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप बड़ों को भी आराम से खिला सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं इसको अभी यहाँ पे हमने एक पैन चढ़ा दिए हैं ये नॉन स्टिक का है और यहाँ पे थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे तेल डाल के ना हल्का सा उसको किनारे किनारे तक मतलब पूरा फैला देना है और फिर जो बैटर है ना उसको हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे अच्छे से फैला दीजिएगा अच्छे से ये फैल जाएगा ना तो अच्छे से पकेगा यहाँ पर हल्का थोड़ा सा धीमा आँच कर देंगे उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा देर के लिए ढक देंगे यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इसको हम ढक दिए थे और देखिए इस तरह से हम इसको एक बार पलट दिए हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये चिपक नहीं रहा है आप चाहें ना तो इसको मतलब लोहा का जो तवा आती है ना उसमें भी आप जो रेगुलर वाले लोहा तवा है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं देखिए उस तरह से भी हम बना के आपको दिखा रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये नॉन स्टिक में ही सही पकेगा यहाँ पे देखिए हम लोहा वाला तवा में बना रहे हैं इसमें भी ये बहुत अच्छा से बनेगा लेकिन ना थोड़ा सा दिक्कत आती है कभी कभी वैसा रोटी या पराठा जो भी कभी कभी हम बनाते हैं ना तो थोड़ा सा पलटने में दिक्कत आ जाती है तो इसीलिए हम दोनों तरफ से आपको पका के बता रहे हैं ये अच्छा से बन जाएगा बस आपको बैटर को ना अच्छा से उसका कंसिस्टेंसी जो होता है ना उसको अच्छा से रखना है यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ये मीठा लग रहा है ना देखने में बहुत टेस्टी भी लगता है आप एक बार से ट्राई ज़रूर करिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आप बनाए थे तो आपका मतलब तो इस तरह से पराठा जो था वो पलटा था या नहीं पलटा था इस नाश्ता को ना आप किसी में भी खा सकते हैं यहाँ पे कभी कैचअप हो चटनी हो या फिर आप चाय के साथ खाइएगा चाय के साथ खाइएगा ना तो इसका मज़ा एकदम से दुगना हो जाएगा यहाँ पे देखिए एकदम से मुलायम पराठा बनकर तैयार हुआ था और बहुत टेस्टी था यहाँ पे ना दो कप के करीब हम यहाँ पे दूध डाल दिए हैं थोड़ा सा यहाँ पे चाय पत्ती है एक चम्मच थोड़ी सी चीनी आप अपने हिसाब से चीनी डाल दीजिएगा यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ चाय चाय के साथ ना सुबह सुबह अच्छा लगता है खाने में और मेरी रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा शेयर ज़रूर से करिएगा आप लोग मेरी रेसिपी को लाइक नहीं करते यहाँ पे मैं अपने लिए चाय निकाल रही हूँ और चाय ना जब सिर्फ दूध का बना हो ना तो ये अलग ही टेस्ट आता है आप इस तरह से चाय बनाकर ज़रूर से देखिएगा यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था खाने में जितना देखने में अच्छा है ना उससे अच्छा ये खाने में भी लग रहा था एकदम से सॉफ्ट बना हुआ ये पराठा ज़रूर ट्राई करिएगा